हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुजरे एक बार फिर से आप सभी का केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आज का जो अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अपन ने एक चैप्टर कर लिया है, कौन सा? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, उसको अपन ने पूरा कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, वो चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल और इथर। स्टूडेंट, काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आज आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो स्टूडेंट आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ये ऑर्गेनिक है, अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी। तो स्टूडेंट आज ही खुद से वादा कर लो कि जैसे वीडियो आया अपन सबसे पहले उसको देखेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे, रिवाइज भी करेंगे, ठीक है ना बच्चों? तभी ऑर्गेनिक समझ में आ पाएगी आप लोगों को। तो पहले वादा करो, साथ साथ देखोगे पूरा वीडियो, जितने भी वीडियो आए इस चैप्टर के, और जिन बच्चों ने पहले वाला चैप्टर नहीं किया है तो स्टूडेंट वो जाके पहले वाला हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाला चैप्टर पूरा करो, फिर इस चैप्टर में आप आना, ठीक है बच्चों? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। हेडिंग डाल लो एल्कोहल, फिनोल और इथर। पहले बात करें अपन एल्कोहल की, और स्टूडेंट इसमें अपन देखेंगे कि इसको पहचाने कैसे। अभी अपन सभी की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, एल्कोहल ही अपन को पढ़ना है। स्टूडेंट देखो, एल्कोहल को पहचानोगे कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्कोहल, और इसको पहचाने कैसे? तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे R हो और यहाँ पे साथ में किसके साथ लगा हो, R के साथ में क्या हो, OH। इस R का मतलब क्या हो गया बच्चों? R का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे एलिफेटिक कार्बन की कोई लंबी चेन हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे CH3 भी हो सकता है और C2H5 भी हो सकता है। ये क्या है? एल्किल समूह है। इस R को क्या बोलते हैं बेटा? R को बोलते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। वो मैं आपको बता दूंगा कि ये एल्किल ग्रुप अपन को कैसे प्राप्त होते हैं, अभी अपन बात कर लेंगे इनकी। लेकिन आप इनको पहचानना सीखो कि एल्कोहल को कैसे पहचानोगे, कि कोई एलिफेटिक क्या हो, कार्बन की चेन, और उसके साथ क्या लगा हो, OH समूह लगा हो, तो स्टूडेंट वो आपका क्या कहलाएगा, एल्कोहल। अब अपन फिनोल की बात करें, फिनोल क्या है? तो स्टूडेंट देखो, फिनोल क्या है कि आपकी कोई एरोमेटिक रिंग हो। ये कौन सी रिंग है आपकी? एरोमेटिक रिंग है, और यहाँ पे आपको पता ही है प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा के किसी भी अभिक्रिया के द्वारा, और वहां पे अपन को ऐड क्या करवाना हो, OH समूह है, तो स्टूडेंट वो आपका क्या बन जाएगा, फिनोल। तो फिनोल कैसे पहचानोगे? कि एरोमेटिक रिंग के साथ क्या लगा हो, OH समूह लगा हो, एरोमेटिक रिंग के साथ OH समूह लगा हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, फिनोल। अब बात करें इथर की, इसकी बात करें बच्चों इथर की, तो देखो इथर क्या है, इथर को कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे R O तो है, तो R O तो वैसा का वैसा लिख दो इस H के स्थान पे, ठीक है। इस H के स्थान पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या लग जाए आपका, वापस से कोई एलिफेटिक रिंग लग जाए या कार्बन की कोई लंबी चेन लग जाए, तो वो स्टूडेंट आपका क्या कहलाएगा, इथर कहलाएगा। अब आप लोग इन दो तीनों को पहचान लोगे, एल्कोहल एलिफेटिक रिंग हो और साथ में OH लगा हो तो एल्कोहल, एरोमेटिक रिंग हो OH लगा हो तो क्या होगा, फिनोल। एलिफेटिक रिंग हो, बीच में ऑक्सीजन हो और साथ में आगे भी क्या हो, एलिफेटिक रिंग हो, यानी दोनों तरफ तो कोई रिंग, दोनों तरफ तो कोई एलिफेटिक चेन हो। इसकी बात करो इथर की, ध्यान से सुनना, कि दोनों तरफ तो एलिफेटिक क्या हो, चेन हो, और बीच में क्या हो, ऑक्सीजन हो, तो वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, इथर कहलाता है, ठीक है। अब बात करें इन एल्किल ग्रुप की, जिन्हें अपन बोल रहे हैं क्या, कार्बन की लंबी चेन बोल रहे हैं ना अपन, उनकी बात करेंगे, वो अपन को कैसे प्राप्त हुए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने लिया CH4, आपकी सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है जिसे अपन बोलते हैं मेथेन, ठीक है बच्चों। अब इस मेथेन में से अगर मैं एक H को क्या करवा दूं, बाहर निकाल दूं, तो स्टूडेंट अपन को क्या मिलेगा, CH3। यानी मेथेन से क्या है, एक हाइड्रोजन इसमें क्या है, कम है, तो स्टूडेंट इसका नाम हो गया मेथिल, मेथिल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है आपका, मेथिल ग्रुप, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपका एथिल ग्रुप कैसे बनता है, C2H5। जैसे यहाँ पे क्या था, C2H6 था, इसको क्या बोलते हैं, दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथ, है ना, और सिंगल बॉन्ड होंगे सभी को, एथेन। तो स्टूडेंट अब इसमें से मैं एक एच को क्या कर दू, बाहर निकाल दू, तो अपन को क्या मिल जाएगा, C2H5, इसे क्या बोलते हैं अपन, एथिल, एथिल ग्रुप। ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया बच्चों, एथिल ग्रुप।
तो स्टूडेंट ये है आपका क्या मेथिल एथिल, इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, इनको एल्किल समूह है, आर के द्वारा इनको क्या कर देते हैं, सो कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब अपन को स्टूडेंट फिनोल और इथर को अपन क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे अपन एल्कोहल की। तो स्टूडेंट हेडिंग डाल लो आप एल्कोहल, हेडिंग डाल लो क्या एल्कोहल। और स्टूडेंट एल्कोहल में अपन को सबसे पहले क्या देखना है, इनका क्लासिफिकेशन देखना है। तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अपन को क्लासिफिकेशन किस आधार पे करना है। तो स्टूडेंट अपन क्लासिफिकेशन करेंगे कि कितने OH समूह अटैच है किसी एल्केन के साथ। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है, बिल्कुल धैर्य से समझे, ऑर्गेनिक है बिल्कुल समझ में आएगी बच्चों, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी साथ साथ में, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो कैसे अपन इनका क्लासिफिकेशन करें, नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच हो, यानी कितने OH समूह इनके साथ अटैच हो। तो देखो बच्चों इसका पहला है आपका मोनोहाइड्रिक, इसको क्या बोल देते हैं अपन मोनोहाइड्रिक, पहला क्या आएगा आपका मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिख दिया मोनोहाइड्रिक। मोनो का क्या मतलब है समझो, देखो मोनो का मतलब हो गया स्टूडेंट वन, वन या एक, मोनो का मतलब हो गया वन या एक। हाइड्रिक का मतलब यहाँ पे OH समूह से है, हाइड्रिक का क्या मतलब है OH समूह से, यानी जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो, किसी कार्बन चेन में एक OH समूह उपस्थित हो तो उसे अपन क्या बोल देते हैं मोनोहाइड्रिक। तो स्टूडेंट इसके एग्जांपल देख लो, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या है पढ़ना है, वेरी वेरी मोस्ट, इसी को आप से क्या करनी है, इसी से आपको डील करनी है इस वाले चैप्टर में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से। तो स्टूडेंट देखो एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ये ले लिया CH3OH, ये कार्बन की चेन ही तो है, हाँ एल्किल समूह ही तो है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह मैंने लिख दिया ROH। ठीक है बच्चों, है ना, यहाँ पे R किसका मैंने क्या लिया है CH3 और फिर क्या लिया है OH। तो स्टूडेंट इसे अपन बोलते हैं मेथेनॉल, इसे क्या बोलते हैं बेटा मेथेनॉल। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया ना, देखो यहाँ पे OH समूह कितने हैं, एक है, एक देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे CH3CH2OH, यहाँ पे बताओ देखे OH समूह कितने हैं। अभी आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर यहाँ पे OH समूह एक है दो है, बताओ देखे कितने हैं। ये तो आपकी कार्बन की लंबी चेन हो गई, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ देखो C2H5OH, सेम ही है दोनों। तो स्टूडेंट यहाँ पे OH कितने हैं, एक है, एक है कि नहीं है। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया एथेनॉल, नाम कैसे आया वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ये आपके कौन से हो गए मोनोहाइड्रिक के एग्जांपल हो गए, इन्हीं से आपको क्या करना है डील करना है मोनोहाइड्रिक वालों से, जिसमें OH समूह की उपस्थिति क्या हो सिर्फ और सिर्फ वन हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, मोनोहाइड्रिक के बाद में आता है डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक का यहाँ पे क्या मीन हो गया, डाईहाइड्रिक का मतलब हो गया यहाँ पे दो OH समूह उपस्थित हो, क्या हो दो OH समूह, देखो डाई का मतलब क्या हो गया टू, हाइड्रिक का मतलब OH, मतलब क्या हो दो OH समूह यहाँ पे क्या हो उपस्थित हो। तो एग्जांपल बताओ देखे, ये रहा CH2 OH और OH, सर ये कैसे आया। तो देखो बच्चों इसको थोड़ा सा अपन खोल के लिखे, तो कैसे करें इसको थोड़ा सा ओपन करते पूरे को, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है टोटल चार, तो दो तो यहाँ पे पूर्ण हो रही है, एक इस बॉन्ड से हो रही है, देखो ये वाला बॉन्ड रहा यहाँ पे हो रही है, और इसके साथ लगा हुआ है कार्बन, फिर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब देखो प्रत्येक कार्बन की कितनी वैलेंसी पूर्ण हो रही है, देखो आप यहाँ पे इस वाले कार्बन की एक दो तीन, इसकी तीन हो रही है तो एक इसकी बाकी है कि नहीं, यहाँ पे इसकी देखो इस वाले कार्बन की 1 2 3 एक इसकी बाकी है, ये लो। तो स्टूडेंट जब यहाँ पे दो वैलेंसी फ्री हो तो स्टूडेंट यहाँ पे अपन आसानी से OH लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ना। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसे बोलो, इसको बोलते हैं बच्चों ग्लाइकोल, फेमस नाम है इसका ग्लाइकोल। ये हो गया आपका मोनोहाइड्रिक, और ये कौन सा हो गया डाईहाइड्रिक, क्योंकि यहाँ पे OH कितने हैं
दो हैं, आपको डील किससे करना है, इस वाले से, मोनोहाइड्रिक वाले से। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या हो गया कि OH समूह कितने हो, तीन हो। तो स्टूडेंट देखो ऐसे लिख सकता हूं CH2CH CH2। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रही है, यहाँ पे आप नोटिस करो ये वाला कार्बन, दो तो हाइड्रोजन लगे हुए, एक इधर कार्बन से अटैच है, तो तीन तो इसकी पूर्ण हो रही है। इसकी कितनी पूर्ण हो रही है, तीन ही हो रही है। इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, तो दो तो हो गई है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो तीन हो गई। हुई कि नहीं हुई, अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन दो हाइड्रोजन लगे हुए है और एक ही सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो कितनी हो गई, तीन इसकी पूर्ण हो गई। स्टूडेंट बच्ची कितनी है, ये लो एक एक बच्ची है, वहां पे मैंने क्या लगा दिया OH OH OH। इसे अपन क्या बोल देते हैं, ये ग्लाइकोल है, इसे बोल देते हैं ग्लिसरॉल। इसे क्या बोल देते हैं बच्चों, ग्लिसरॉल। तो स्टूडेंट ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच, यानी कितने नंबर, कितने OH समूह है इसके साथ में अटैच है। ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से कौन सा हो गया, मोनोहाइड्रिक जिसमें एक OH समूह उपस्थित है, फिर है डाईहाइड्रिक इसमें कितने हैं, दो OH समूह उपस्थित है, ये फिर क्या है ट्राईहाइड्रिक इसमें कितने OH समूह उपस्थित है, तीन OH समूह उपस्थित है। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है, इजी वे है एकदम से, बिल्कुल। स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखो, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करो, बताओ कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, अगले वीडियो में आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, आपके अगर आपको एक बारी में समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है, तो स्टूडेंट वीडियो को बार बार पीछे जाके फिर से देख लो, हाँ बिल्कुल देख सकते हो आप लोग। तो देखो अब क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करो और इनको कॉपी करो, 1 2 3 गो।